दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करना है और कमाई होगी 4,000 रुपए, मतलब कि महीने का 1,20,000 रुपए। तो इस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए आज मैं आ गया हूं भावनगर गुजरात के अंदर, तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए पहले आपको प्रोसेसिंग दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है और फिर ये किस तरीके से बिकता है। और प्रोडक्ट की डिमांड आपको बताना चाहूंगा कि 2 रुपए का जो प्रोडक्ट है इतना ज्यादा बिकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी का स्टॉक है वो यहाँ पर भरा हुआ है और एडवांस में इतने पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहते हैं कि जिन्हें पूरा करना कंपनी दिन रात लगी रहती है। यहाँ पर आप पूरा पूरा गोडाउन देख पाएंगे और जो कंपनी है हर एक पार्ट को खुद बनाती है। यहाँ पर कोई भी चीज हो तो इतनी सारी जो चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कंपनी की सारी प्रोसेसिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो वीडियो बेहद लाजवाब होने वाली है कि एक छोटा सा प्रोडक्ट किस तरीके से आपको लाखों या हजारों रुपए कमा के देगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 6 लीटर पानी लेना है आरओ वाला, आपको इसके अंदर 5 केजी शुगर डालना है। आप देख सकते हो ये शुगर, 5 केजी शुगर, ये आपका 6 लीटर पानी है और 5 केजी इसके अंदर शुगर गया, यानी कि 11 लीटर का आपका जो है वो फ्लेवर बनेगा इसके अंदर से। अभी जो है आपको शुगर मिक्स करना है, ये मिक्सचर है, इसमें से आपका जो शुगर है वो मिक्स हो जाएगा। चालू करो, आप देख सकते हो ये पानी के अंदर शुगर मिक्स हो रहा है। ये कितने टाइम तक करना है सर? ये बस 2 मिनट या 3 मिनट तक। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पानी और उसके अंदर शुगर ऐड किया हुआ है। अभी हम उसके अंदर डाल रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर बनाने के लिए। 2 अलग अलग पैकेट लगते हैं, एक ये लिक्विड है और एक ये पाउडर है, दोनों आपको इसके अंदर मिलाने का है। तो आपको 11 लीटर का आपका बेस लिक्विड तैयार हो जाएगा। ये पाउडर हमने डाला, बाद में हम इसके अंदर लिक्विड ऐड करेंगे। ऑरेंज फ्लेवर हो गया, अभी इसको घुलाने का है आपको ताकि पाउडर पूरा मिक्सिंग हो जाए उसके अंदर। अभी ये 11 लीटर का फ्लेवर का सेट हो गया है, ऑरेंज फ्लेवर हमने तैयार कर दिया है। अभी हम ये छन्नी में छानेंगे और यहाँ पर मशीन में लगाएंगे इसको, और इसमें से किस तरह से बॉटल बनेगा वो सारा आपको प्रोसेस दिखाएंगे। हमने अभी ये फ्लेवर लगा दिया है, 2 फ्लेवर बन चुके हैं, ऑरेंज और एक ये जीरा मसाला। पीछे से ये पाइप भी कनेक्शन कर दिया है। मशीन में अब कैसे फिलिंग, कैपिंग और वॉशिंग होगा वो पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। CO2 सिलेंडर का प्रेशर भी दे दिया है मशीन को सोडा बनाने के लिए। मशीन के साथ ये वॉशर आता है जिसके अंदर बॉटल वॉश रहती है। आप देख सकते हो किस तरह से ये बॉटल वॉश होती है। ये वॉशिंग हो गई बॉटल, आप देख सकते हो ये पानी अंदर आ गया, ये वॉशिंग हो गई ये बॉटल। बॉटल वॉश हो गई है, यहाँ पर फिलिंग के लिए आना है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये फ्लेवर को फिल किया जाता है और किस तरह से सोडा बनता है। ये यहाँ से पहले पुश करेंगे तो इसके अंदर सोडा गिरेगा, जिसके साथ CO2 और पानी मिक्स होकर सोडा आता है, और इसके साथ ये फ्लेवर गिरेगा, 25% इसके अंदर फ्लेवर गिरेगा। और इसको यहाँ फिलिंग हो गया, बाद में यहाँ पर इसका कैपिंग होगा बोतल का। आप देख सकते हो ये बोतल तैयार हो गया है। इसी तरह ये मसाला फ्लेवर तैयार हुआ है, अभी इसी तरह हम ऑरेंज फ्लेवर फिल कर रहे हैं इसके अंदर। ये ऑरेंज फ्लेवर तैयार हो गया है। तो सर अब वीडियो के अंदर हमने इसको पूरा बनाने का प्रोसेस देखा, 200 ml की जो ये बोतल है। अब ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, इसको पूरा बनाया जाए तो कितने रुपए की पड़ेगी? देखो ये मशीन के अंदर बोतल जो आपको पड़ेगी 4.5 रुपये में पड़ती है टोटल। ये जो खाली बोतल है वो आपको मिलेगी 2 रुपये में, उसके ऊपर का कैप है वो मिलेगा आपको 60 पैसे में, यानी कि 2 रुपया 60 पैसा। ये जो उसके अंदर फ्लेवर भरा हुआ है, यानी कि आप कोई भी फ्लेवर उसके अंदर
फिल कर सकते हो, वो एक रुपए में पड़ता है, और ये जो लेबल है वो 40 पैसे में पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी जोड़ लो सारा आप एक साथ टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट जोड़ लो, 4.5 रुपए में बोतल गिरती है। तो सर आपने बताया कि ये पूरी बोतल 4.5 रुपए में जो तैयार करेगा उसे पड़ेगी, तो ये मार्केट में कितने की बिकेगी होलसेल में, और ये कस्टमर को कितने रुपए में मिलती है? ये जो बोतल होलसेल में अगर बेचो आप तो 7.5 से 8 रुपए में बिकती है, और जो होलसेल वाला है उसको ये ठंडा करके फ्रीज में रख के वो 10 रुपए में बेचता है, यानी कि होलसेल पे भी आप मिनिमम मार्जिन ले लो तो एक बोतल पे 2 रुपया मार्जिन मिनिमम मिलता है। मशीन का कैपेसिटी डेली का 10,000 बोतल का कैपेसिटी है, आप डेली इसके अंदर 10,000 बोतल आउटपुट निकाल सकते हो, तो 2 रुपये के हिसाब से 10,000 बोतल निकालो तो आपको डेली का 20,000 रुपया इसके अंदर नेट प्रॉफिट मिलता है। बहुत बढ़िया। तो सर अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में ये कितने बोतल निकाल देती है मशीन? 1 घंटे के अंदर 1,000 बोतल आउटपुट मशीन निकालती है। बहुत शानदार। तो सर ये जो मशीन है आपकी, तो क्या ये 3 फेज पे या बिजली जो घर की बिजली उसके ऊपर चल सकती है? ये मशीन आप कहीं पर भी लगा के अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आपके पास छोटी सी जगह है, छोटा सा कमरा है, उसके अंदर भी ये मशीन लगा के आप अपना बिजनेस और अपनी खुद की ब्रांड बना के मार्केट में बेच सकते हो। जिसी तरह हमने ये अपनी ब्रांड से भी रखा हुआ है नूतन सोडा, तो आप भी इसी तरह अपनी खुद की ब्रांड बना के मार्केट के अंदर रख सकते हो। और दूसरा सर ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये फूड का काम है, मतलब फूड प्रोसेसिंग में आ जाता है, तो इसके लिए लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए किस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्या प्रक्रिया होगी? मशीन में सोडा बनाने के लिए आपको पहले तो इसका आरओ का पानी यूज करना है, और इसके अंदर जो हमें लगेगा वो लाइसेंस FSSAI फसाई का लाइसेंस लगता है। ठीक है, जो कि आप अपने नॉर्मल जो एरिया है वहां पर आसानी से आप वो इसको ले सकते हैं। दूसरा सर आप हमें ये बताइए इस मशीन से कितने तरह के फ्लेवर वो बना सकते हैं? ये मशीन के अंदर आप 40 तरह के कोई भी फ्लेवर बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि जीरा मसाला, ऑरेंज, लेमन, लिमका, लीची या कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर से निकाल सकते हो। ठीक है, और बात करें तो सर जो ये मशीन है हमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो इनकी क्या कीमत होगी, कितने रुपए कॉस्ट होगी इनकी? मशीन की जो प्राइस है वो 1.5 लाख से चालू होती है मशीन, 1,50,000 से लेकर 4.5 लाख तक हमारे पास अलग अलग मॉडल है। आप मशीन कहीं पर भी, छोटा अगर आप गांव में हो, छोटा सा कस्बा है, छोटा सा सिटी है, वहां पर आप अपनी ये मशीन लगा के अपनी खुद की ब्रांड बना के और अच्छे मार्जिन के साथ, अच्छे प्रॉफिट के साथ अपनी ब्रांड बेच सकते हो और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। तो सर आपने जो बताया 1.5 लाख रुपए से लेकर 4-5 लाख रुपए तक ये मशीनें जाती हैं, तो क्या सिर्फ अकेली एक मशीन मिलेगी या इसके साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं वो बताइए? मशीन के साथ ये हॉट गन मिलती है, जिससे ये 25 का आपको बंच बनाने में ये हेल्प रहेगी। ये 25 का बंच बना के आप मार्केट में सेल करना है इसको। इसके साथ ये फ्लेवर हम साथ में देते हैं, एक CO2 सिलेंडर रहता है और ये एक मिक्सचर रहता है, फ्लेवर मिक्सचर। ठीक है, ठीक है। तो सर जो ये आपने ये सारे मटेरियल बताया, क्या वो टॉप के मॉडल के साथ रहेगा, जो बेस मॉडल उसके साथ भी समान रहेगा? सभी मॉडल के साथ हम ये फ्री मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर के यहाँ पूरा इंस्टॉलेशन, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हो सके और कस्टमर को पूरी तरह से हम सेटिस्फाई कर सके। तो सर अगर बेस मॉडल की बात करूँ तो सर वो कौन सा मॉडल होगा जो बेस मॉडल है आपका यहाँ? ये हमारा बेस मॉडल है 1+2। इसके ऊपर हमारे पास अलग अलग मॉडल है, 1+3 है, 1+4 है, और ये 1+2, 1+3, इसी तरह हमारे पास 2+3, 2+4। ठीक है, अलग अलग मॉडल है हमारे पास सोडा मशीन के अंदर। ठीक है, तो सर अगर कोई इसका बिजनेस करता है सोडा का, तो मिनिमम अगर मैं पकड़ के चलूं होलसेल के अंदर, वो कितने रुपए इनकम कर सकता है डेली की? सर ये हमारी जो छोटी मॉडल है, बेसिक मॉडल है, इसके अंदर डेली 4,000 बोतल का आउटपुट रहता है, यानी कि 4,000 × 2 रुपया भी मार्जिन पकड़ लो तो डेली का 8,000 का मार्जिन, नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट वो कमा सकता है ये छोटे मॉडल में भी। ठीक है, तो सर एक बार सर आप कोई आपकी कंपनी को विजिट करना चाहे, इन मशीनों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहे, क्योंकि ट्रेनिंग की भी उसे जरूरत पड़ेगी, फ्लेवर किस तरीके से बनेगा, तो उसके लिए एक बार आप हमारी ऑडियंस को आपकी कंपनी का नाम और ये कहाँ पर पड़ती है और फोन नंबर बता दीजिए। ये हमारी कंपनी नूतन रेफ्रिजरेशन गुजरात भावनगर में पड़ती है। आप हमारे पास से मशीन परचेस करते हो तो मशीन का इंस्टॉलेशन, मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन और मशीन में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से फ्लेवर पड़ेगा, कहाँ से आपको बॉटल मिलेगी, ये बॉटल आपको कहाँ से मिलेगी, कैप कहाँ से मिलेगा और किस तरह से आपको स्टिकर बनाना है, पूरी रेसिपी यानी कि फ्लेवर से लेके रॉ मटेरियल तक पूरी हम आपको जानकारी देंगे।
ठीक है, मतलब कि सिर्फ अकेली मशीन नहीं, ये जितना रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है बोतल वगैरह वो भी कंपनी प्रोवाइड करवा देगी या फिर उनके नंबर दे देगी? हम आपको होलसेल में जो ये बोतल प्रोडक्शन करते हैं उसका नंबर दे देंगे ताकि आप उससे होलसेल में उससे रॉ मटेरियल परचेस कर सको। तो सर जो आपकी कंपनी विजिट करेगा उसे तो विश्वास हो जाएगा क्योंकि आपका खुद का इतना बड़ा सेटअप है, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो तो विश्वास कर लेगा। मगर इस वीडियो को देख के मान लीजिए कोई दूर के लोग हैं, कोई साउथ साइड के हैं, महाराष्ट्र साइड के हैं, तो वो आपकी वीडियो देख के जब इस मशीन को मंगवाना चाहेंगे तो वो किस तरीके से विश्वास करेंगे कि आपकी कंपनी के अकाउंट में पेमेंट भेज के वो मशीन को मंगवाएं? देखो मनोज जी, हमारी कंपनी कस्टमर को फैसिलिटी देती है, आपको टोकन मनी डालना है, टोकन मनी से आपका मशीन जो है बुक हो जाएगा, बाद में आपके सिटी, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपने जो एड्रेस दिया है वहाँ पर मशीन आ जाए, बाद में जो दूसरा पेमेंट है आपको पे करना है, और आपके यहाँ पर टेक्नीशियन भी आएगा मशीन इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो सर यहाँ पर मैंने फैक्ट्री में देखा कि आपकी कंपनी है वो काफ़ी सारी मशीनें बनाती है, तो किस किस तरह की प्रोडक्ट की आपकी जो कंपनी है वो मशीनें बनाती है? हमारी कंपनी बॉटलिंग प्लांट, सोडा बॉटलिंग मशीन, पाउच पैकिंग मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, सोडा सॉप मशीन, जूसर मेकिंग मशीन, पानी पूरी मशीन, सुगर केन मशीन, इसी तरह हमारी कंपनी पूरी रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट के अंदर काम करती है। तो दोस्तों वैसे तो हमने इस वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फोन नंबर और एड्रेस सारी जानकारी दी जा रही है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।